आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक, जो कि 11th क्लास की सेकंड बुक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राजनीति का मतलब क्या है या इससे अभिप्राय क्या है, यानी राजनीति किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, और राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। यानी कि कोई कोई क्या कहता है कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा, यानी कि लोगों की सेवा करने का एक साधन है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव-पेंच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक में लगे रहते हैं। कुछ लोग राजनीति को क्या मानते हैं कि राजनीति को दांव-पेंच मानते हैं, यानी कि एक रणनीति मानते हैं कि किस तरीके से जीता जाए, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक कुचक्र भी मानते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक कुचक्र है। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते झूठे वायदे और बड़े चढ़े दाव करते, विभिन्न तबकों में जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो राजनीति को संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति में क्या होते हैं, राजनेता यानी कि नेता झूठे वादे करते हैं, चालाकियां करते हैं, हिंसा करते हैं, और अपने स्वार्थ के लिए ही राजनीति करते हैं और घोटाले करते हैं। इन सबको बहुत से लोग राजनीति का नाम देते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यानी कि कई बार हम कहते हैं कि ये चालबाजी कर रहा है, उसको हम किसका नाम दे देते हैं, राजनीति का, ये तो राजनीति कर रहा है। या कोई अपने आप को जितवाने के लिए कोई साधन अपनाता है, तब भी हम उसको राजनीति का नाम दे देते हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते, या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते, अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। यानी कि अगर कोई गलत चीज़ में किसी व्यक्ति का वो साथ देता है गलत चीज़ों में, तो हम समझ लेते हैं कि वो गंदी राजनीति कर रहा है। और स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोहभंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं मुझे राजनीति में रुचि नहीं है, या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। यानी कि जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि राजनीति में ऐसा हो रहा है, तब हम ये मान लेते हैं कि राजनीति क्या है, एक गंदी चीज़ है, गंदी संगति है, इसलिए हम राजनीति को कई लोग पसंद नहीं करते हैं। पर अब हम वाक्य में राजनीति क्या है उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है राजनीति क्या है। हर्बर्ट जे स्पायरो के अनुसार राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव समाज अपनी समस्याओं का समाधान करता है। यानी कि हर्बर्ट जे स्पायरो ने बोला कि राजनीति कौन सी प्रक्रिया है जिससे लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। सामान्य शब्दों में राजनीति का तात्पर्य निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। चुनाव में भाग लेने, वाद विवाद के माध्यम से सरकार की आलोचना करना, किसान, मजदूर, व्यापारी आदि के रूप में अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन करके सरकारी नीति में संशोधन करना आदि राजनीति के विषय सामग्री है। वहीं दूसरी ओर राजनीति का है निर्णय लेने की प्रक्रिया, यहाँ पर जहाँ पर हम डिसीज़न लेते हैं। और कई बार राजनीति
जिसमें हम लोगों की आलोचना कर रहे हैं या कोई संगठन बना रहे हैं या चुनाव में भाग ले रहे हैं, उसको ही हम राजनीति का नाम देते हैं। एक क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन है, आम लोगों की दृष्टि में, आम लोगों की नज़र में राजनीति से क्या अभिप्राय है। तो आम लोगों के शब्दों में धोखा देना, बेईमानी करना, जुलूस, नारेबाजी, दगाबाजी, दंगा फसाद आदि ही राजनीति है। टॉपिक थर्ड है, राजनीति की परिभाषा के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण को बताइए। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण। वास्तव में राजनीति शब्द पॉलिटिकल का ही हिंदी रूपांतरण है, जो स्वयं ग्रीक भाषा के पॉलिश नामक शब्द से बना है। यानी तो राजनीति का शब्द किससे निकला है, पॉलिटिकल का ही हिंदी रूपांतरण है। यानी पॉलिटिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, राजनीति, जो कि स्वयं ग्रीक भाषा के पॉलिश नामक शब्द से बना है। किससे बना है, वो ग्रीक भाषा है एक, उसके पॉलिश नामक शब्द से बना है। यूनान में पॉलिश शब्द वहाँ के नगर राज्यों के लिए प्रयुक्त होता था। यूनान में देश है यूनान, यूनान देश के अंदर पॉलिश शब्द किसके लिए पहले यूज़ होता था, नगर राज्यों के लिए, जिन्हें वर्तमान काल में यानी कि आज के समय में हम राज्य कह सकते हैं। इन नगर राज्यों में अधिकांश लोगों को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। प्राचीन काल में नागरिकों को क्या, लोगों को क्या प्राप्त नहीं थे, नागरिक अधिकार, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था के अनुसार दासों, विदेशियों व महिलाओं को नागरिकता के अधिकार नहीं दिए जाते थे। किन किन को अधिकार नहीं दिए जाते थे, एक तो विदेशियों को, महिलाओं को और दासों को वहाँ के अधिकार नहीं मिलते थे। शेष बच्चे 10-15% लोगों को नागरिकता के अनुसार अधिकार प्राप्त थे, और यह नागरिक ही अपने नगर राज्य का शासन चलाते थे, और जिनको अधिकार मिले हुए थे वो ही देश का शासन चलाते थे। तो ये बात हो गई प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण की। फिर है सेकंड परंपरागत दृष्टिकोण। राजनीतिक परंपरागत दृष्टिकोण से हमारा तात्पर्य उस दृष्टिकोण से है जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक राजनीति के विद्वानों ने अपनाए रखा। यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब किससे लगाया जा रहा है, जो विद्वानों से लगाया जा, जो कि 20वीं सदी के विद्वान थे। इस काल के विद्वानों जिनमें प्लेटो, हॉब्स, रूसो को शामिल किया जाता है, उन्होंने अपने अध्याय को राज्य सरकार तथा इनसे संबंधित राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित रखा गया या रखा उन्होंने। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण संकुचित, औपचारिक व संस्थागत बनकर रह गया। यही दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण कहलाता है। यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण क्या कहलाता है, जिसके अंदर विद्वानों ने 20वीं शताब्दी में शासन संभाला, जिनके नाम है प्लेटो हो गए, हॉब्स हो गए, रूसो, ये उस समय के विद्वान कहे जाते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट, आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक का मतलब अभी का समय। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति से हमारा अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें जनता अपने प्रतिद्वंद्वी की को चुनती है। इस स्थिति में जनता प्रतिद्वंद्वी को जिसे वो चुनती है उसे घटा भी सकती है, घटा नहीं हटा भी सकती है। अन्य शब्दों में राजनीति से अभिप्राय नारे लगाना, जुलूस निकालना नेताओं द्वारा या किसी आम व्यक्ति द्वारा सत्तारूढ़ दल की आलोचना करने से भी है। यानी कि इस आज के समय में आधुनिक जो शासन चल रहा है उसके अंदर जिसको चुना जाता है जनता के द्वारा, उसको जनता हटा भी सकती है अगर वो ठीक प्रकार से काम ना करे, जो कि आज की राजनीति में हम रहते हैं। यही आधुनिक दृष्टिकोण है राजनीति का, जिसमें नारे लगाना आ जाता है, जुलूस निकालना आ जाता है, ये सारे राजनीति का ही पार्ट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसका संबंध राज्य के साथ हो और वह यह समझने का प्रयत्न करता हो
कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं या उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, या वह अपने को किन विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करता है और उसका विकास किस प्रकार होता है। इसी प्रकार गार्नर का मत है कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ होती है और राज्य के साथ ही समाप्त होती है। राज्य के तत्व कौन कौन से हैं? चार तत्व हैं राज्य के, वो है जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और भूमि। तो राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं जिसका संबंध किससे होता है? राज्य के साथ हो, और वो ये समझने के लिए कोशिश करता हो कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं। और हमें पता चल गया है राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, कितने होते हैं? चार, जिसमें आती है जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और भूमि। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है क्यों, टिप्पणी करो। लासवेल व केपलान के अनुसार राजनीतिक प्रभावों व प्रभावितों का अध्ययन राजनीति है, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। उन्होंने कहा है कि राजनीति अनुशासन के रूप में राजनीतिक शक्ति को बनाने व उसको मिल बांट का प्रयोग करने का अध्ययन है। उन्होंने माना है कि राजनीति के द्वारा जो तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है उसको मिल बांट कर ही प्रयोग करना चाहिए, मिल बांट के ही अच्छे से शासन चलाना चाहिए। वाइजमैन ने शक्ति की व्याख्या करते हुए कहा है कि विरोध के बावजूद किसी व्यक्ति को की इच्छाओं की पूर्ति करने की योग्यता को शक्ति कहते हैं। यानी विरोध हो रहा है उसका और वो अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार जब करता है उसको ही शक्ति के लिए संघर्ष कहते हैं। फिर मैक्स वेबर कहते हैं कि राजनीति का अर्थ शक्ति के लिए संघर्ष है। इसका अभिप्राय है कि सत्ता को पाने वाले व्यक्ति सत्ता को पाने के लिए अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ तथा प्रलोभन आदि देते हैं। यानी कि जो सत्ता को पाना चाहते हैं विभिन्न प्रकार के क्या देते हैं, लालच देते हैं और लड़ाइयाँ करते हैं। ये ही शक्ति के लिए संघर्ष है। और हमारा ये पांच टॉपिक हमने इसमें क्लियर करे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसके सेकंड पार्ट में आप और क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप मेरी बुक भारतीय अर्थव्यवस्था और वेयर वी शुड इन्वेस्ट आर मनी को Amazon, ShopClues, Flipkart और ब्लू रोज पब्लिकेशन की साइट पर भी खरीद सकते हैं।